गांव में बहुत ज्यादा ठंड होने लग गई है धीरे धीरे। और ये देखो मैडम, मेरा सामने चुप हो जा, सुबह मुझे बोलने दे। टेडी बेयर के साथ सोता हूँ, पंखा चला, आज ही मेरे साथ रहेगा, आज ही मेरे साथ रहेगा, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और आज अभी मैं हूँ ऑफिस में, ये है आंचल मेरी ऑफिस में। हेलो हेलो तो अभी बारिश का मौसम हुआ है, हमें नीचे नहीं जाने दे रहे हैं सर, और हम यहाँ बालकनी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बनाने है, बारिश का मौसम है, ये पागल हो चुकी है, ये रील्स की दीवानी है, ये कंटिन्यू रील्स बनाती है डेली। अरे मोना की बच्ची थोड़ा साइड हटना। गाइस गुड़गांव में बहुत ज्यादा ठंड होने लग गई है धीरे धीरे। और ये देखो मैडम हाईनेक पहन के लाने लग गई अभी से, मैंने भी पहना है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, अब हमने सर्दियों के कपड़े भी निकालने स्टार्ट कर दिए है। मुझे बोलने दे, कर दी ना कर दी तन कर। मैं आपको दिखा दी हमारे बालकनी से पीछे साइड का व्यू कैसे दिखता है। अब सर्दियाँ आ गई है, सर्दियों के साथ हमने सारे कपड़े फैला दिए, सर्दियों के सारे कपड़े निकाल दिए। ये साबित होता है, देखिए मैडम को सर्दियाँ आ गई है। और अभी से और एक चीज और दिखाओ, बाहर बारिश हो रही है, मैडम ने यहाँ अंदर सारे कपड़े फैला रखे हैं, वो देखिए सारे कपड़े यहाँ फैले पड़े हैं, हमारे कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। अभी हम जाते हैं खाना खाने के लिए थोड़ी देर में। आस्था अभी से इतना ठंडा होने लग गया क्या? बहुत बारिश इतनी हो रही, मैडम बोल रही है ठंडा हो रहा है, रात में फैन ऑन कर दे रही है, रात में गर्मी लगती है ना। देखा मुझे ठंड लगती है, हम कंबल ओढ़ने लग जा रहे हैं। आज सारी कंबल हमें सब कुछ निकालना है, हमें सारे गर्म कपड़े निकाल के फैला दिए हैं। अभी मैं देखते हैं, चला के सो, ये फिर भी पंखा चला के सोएगी, मजा आता है। मैं अपने टेडी बेयर के साथ सोता हूँ, पंखा चला, आज ही मेरे साथ रहेगा, आज ही मेरे साथ रहेगा, ठीक है ठीक है। आज खाने में क्या बनेगा? पता नहीं है, चिकन खाते हैं। देखा चिकन खाने जाएंगे मैडम, बाहर बारिश, हाँ वो झूम 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 सी हो रही है, वो नहीं होता बूंद बूंद से गिरते हैं वैसे वाली हो रही है, फुब्बारे से होती है ना वो वाली बारिश हो रही है आज यहाँ। अभी तेज नहीं हो रही है, तीन चार दिन से परेशान हो रखे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, तंग आ चुके हैं बारिश से। गाँव में मम्मी लोग भी परेशान है, बहुत ज्यादा हाई अलर्ट बता रखा है उत्तराखंड में भी। सो मम्मी लोगों को भी बोलूंगी थोड़ा बच के रहे, घास वास पे ध्यान मत दे, अपने पे ध्यान दे। इस वजह से पहाड़ों में एक तो आजकल फसल कटाई हो रही है, इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है, घास जो काटते हैं लूटे डालते हैं उसमें वो भी सड़ जाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, काफी सारा घास सड़ चुका था, जो इस बार भी ऐसा ना हो। बस मम्मी लोग बोल रहे थे कि दो तीन लूटे बना दिए उन्होंने, अब वो सड़े ना बस, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो चुकी है, कोई फायदा नहीं है, सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस वजह से भी पहाड़ों में इस टाइम पे अगर बारिश होती है तो बहुत दुख होता है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, कड़ी धूप में घास काटो, उसे सुखाओ, फिर उसके लूटे बनाओ, सर्दियों के लिए इकट्ठा करते हैं। इस वजह से आपके यहाँ बाजरा होता है ना? हाँ सब होता है यार, पुए बना के ला, पुए बना के, अच्छा वो बाजरे के पुए होता है, लेकिन अभी कहाँ, अब वहीं चलना ना, अब
गांव चलना। मैं दिव्या को भी बोल रही थी एक बार चलना गांव करके। दिवाली भी तो घर जाओगी ना शायद। हाँ तो फिर चलेंगे। सो अभी हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाने जाते हैं। देखते हैं चिकन खाते हैं या फिर पीजी का ही खाना खाते हैं। पीजी में आज क्या? आज रोटी सब्जी बनी होगी। कल बनती है खीर। एक दिन एक हफ्ता छोड़ के बनता है, कभी खीर बनती है कभी हलवा बनता है। आज खीर बनी होगी, नहीं कल बनेगी खीर। कल खीर बनेगी। खीर तो मेरी फेवरेट है, घर में मम्मी भी बनाती रहती है। तो मैं जब खीर और पूरी छोले बनता है चले फिर थोड़ी देर में खाना खाने जाते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। येलो टैडी आज ही मेरे साथ रहेगा। सो गाइस अभी हमने खाना पीना खा के हम बैठे हैं, व्लॉग एडिट कर रहे थे। क्या खाया आज? तो बहुत ही सारा खाया हमने। इसे बहुत खा लिया, पचाने जाना पड़ा बहुत। खा के पचाना भी पड़ता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।